बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा एक अपडेट। सऊदी अरब से अपडेट ये है भाई, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी एक न्यूज शेयर की थी कि ईद अल अज़हा पर क्या कर्फ्यू होगा या नहीं होगा, वो वीडियो तो आपने देख ली होगी भाई। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी न्यूज़ देखी होगी कर्फ्यू के मुतलक, ईद अल अज़हा पर क्या कर्फ्यू लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा। उस वीडियो में मैंने आपके साथ बता दिया था कि ईद अल अज़हा पर कर्फ्यू नहीं होगा, ईद उल फितर की तरह जैसा कि छोटी ईद पर था। हाँ, कुछ सख्तियाँ जरूर की जाएंगी भाई, वही हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सख्तियाँ की गई हैं इस ईद पर भी, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं भाई, यकीनन आपके काम आएंगी। अगर ईद वाले दिनों में आप कहीं भी गैदरिंग वगैरह या घूमने के लिए या घर से बाहर निकलते हैं तो इन एहतियाती तदाबीर को अपनाना आप पर लाजिम होगा, वरना भाई आपको जुर्माना हो सकता है। नंबर एक, आप सब भाइयों को पता है कि आप ईद नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे, ईदगाह में जाएंगे, घर से निकलेंगे, तो भाई मास्क का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि पहले भी आप हजरात को पता है 1000 फाइन किया जाएगा मास्क का। अगर ईद नमाज मस्जिद में या ईदगाहों में आप भाई 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे जानमाल बिछा कर बैठते हैं तो फिर भी आपको भाई फाइन कर दिया जाएगा। 1 से 2 मीटर का फासला रखिएगा हर बंदे के दरमियान। तीसरी बात भाई ये आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि अगर आप बाहर कहीं भी गैदरिंग के लिए निकलते हैं तो आप 5 से ज़ायद अफराद हैं, मसलन आप 10 अफराद हैं, 15 अफराद हैं, तो भाई इकट्ठे मत बैठिएगा खाने पीने के लिए या वैसे गपशप के लिए। 1 मीटर का फासला जरूर रखिएगा हर बंदे के दरमियान, वरना फिर भी आपको भाई फाइन किया जाएगा पर पर्सन 5000 रियाल। अभी जो मेन बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भाई ये कहा गया है कि 50 अफराद, जैसा कि सऊदी आपको पता है कि ईद पर पार्टी वगैरह करते हैं, एक दूसरे की तरफ आना जाना होता है इनका, तो 50 अफराद से जायद कहीं भी इकट्ठे अफराद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 50 अफराद इकट्ठे हैं तो उनमें भी भाई डिफरेंट मिसलन 1 से 2 मीटर का फासला हर बंदे में नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम है। अगर 50 से ज्यादा अफराद हो गए, चाहे भाई फिर आप में 1 से 2 मीटर का फासला ही क्यों ना हुआ, फिर भी भाई पर पर्सन पर बंदा 10000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ईद अल अज़हा के भाई ईद अल अज़हा पर भाई इन एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखिएगा, मास्क का, 1 से 2 मीटर का फासले का, और आपको याद भाई अच्छे से होना चाहिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले 5 से ज्यादा अगर आप अफराद हैं तो भाई एक दूसरे से 1 से 2 मीटर का फासला रखकर चलिएगा, बैठिएगा, खाइए पिएगा, वरना भाई आपको फाइन हो सकता है। ईद अल अज़हा के मुतल्लिक मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।